हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो वैसे ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी टॉपिक आ जाता है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस, उसके अंदर भी आ जाता है। इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसका मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस चीज़ से डील करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा कितना है और गवर्नमेंट की आमदनी कितनी है। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट या सरकार के खर्चे और आमदनी से डील करती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डीसी रोवान, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, द यील्ड ऑफ टैक्सेशन एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी एक डिस्क्रिशनरी पॉलिसी होती है, किसकी? गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन से, अपनी मर्जी से खर्चा कितना करना है, कहाँ करना है, कितनी ट्रांसफर पेमेंट्स देनी है या फिर कितना टैक्सेस वगैरह होंगे, उस चीज़ को मतलब बनाती है। ठीक है, बनाती मतलब उस पॉलिसी को बनाती है जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी के बारे में पूरा डिटेल होता है कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ खर्चा करना है, किस किस चीज़ पे टैक्स लगाना है और कहाँ कहाँ से क्या क्या, पूरा का पूरा हिसाब किताब जो होता है ना गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी का, उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। Take care, have a nice day.